उसे ओपन करिए, ट्री सेट वाले प्रोग्राम को। जी जी सर, अभी करते हैं ठीक है, सर। चलिए। सर ये वाला है हाँ जी हाँ सर। बिल्कुल, यही वाला प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये अपनी स्क्रीन ऐसे रहने दे रहा, जैसे जैसे मैं बताऊँगा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि तो बंद तो गया है सारा चीज़। देखिए, ट्री सेट जो हमारी क्लास है, नीचे करिए, ट्री सेट क्लास। ट्री सेट जो हमारी क्लास है ना, ये क्लास आपको पता होगा, इस क्लास के साथ एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है समरोज? इसके साथ क्या हेलो सर, रिस्ट्रिक्शन है? सर जी सर, सर रिस्ट्रिक्शन ये है कि इसमें केवल हम होमोजीनियस टाइप का डेटा, मीन टू से जो हमारे रैपर क्लासेस हैं, या वो ऐड कर सकते हैं, और हेटरोजीनियस काइंड ऑफ डेटा हम स्टोर नहीं करवा सकते सर, इसके द्वारा सॉर्ट नहीं करवा सकते। ये ना बोलो, आप ऐसे ना बोलो, जी आप जी ऐसा सर बोलो कि ट्री सेट के पास हम केवल उन्हीं क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं जो क्लास कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। यस सर ये एग्जैक्टली ठीक भूल है, गया था मैं बताना। जी मतलब ट्री सेट का जो ये ऐड मेथड है, ये हमेशा और हमेशा कंपेरेबल टाइप का पैरामीटर लेता है। कंपेरेबल टाइप का मतलब ये हो गया कि आप उस क्लास का ही ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास कर सकते हैं जो कि कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे और कंपेयर टू मेथड को ओवरराइड करे और अपने हिसाब से शॉर्टिंग का लॉजिक लिखे, फिर ये चल सकता है। क्योंकि ट्री सेट के पास अपनी शॉर्टिंग लॉजिक नहीं है। ट्री सेट क्लास के पास अपनी कोई पर्सनल शॉर्टिंग लॉजिक है ही नहीं। वो शॉर्टिंग करने के लिए, या मतलब उस क्लास को यूज करता है जिस क्लास का ऑब्जेक्ट इसके अंदर ऐड होता है। यदि इन्होंने अभी स्टूडेंट क्लास इसमें ऐड किया है, तो ये स्टूडेंट क्लास के मतलब स्टूडेंट क्लास अब यहाँ पे तभी ऐड हो पाएगा जब आप कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराओगे स्टूडेंट में और कंपेयर टू को ओवरराइड करोगे। यस, कंपेयर टू को ओवरराइड करोगे नीचे। ठीक है, कंपेयर टू को ओवरराइड करोगे और अपने हिसाब से शॉर्टिंग का लॉजिक लिखोगे, तभी ये मतलब चलेगा। ये अब शॉर्टिंग का लॉजिक यहीं से वो उठाएगा। लेकिन ट्री सेट के अंदर एक और रिस्ट्रिक्शन है कि मतलब आप इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, वो जैसे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आपने ऐड कर दिया, तो स्टूडेंट के लिए ये शॉर्टिंग का कोड उठा लेगा स्टूडेंट क्लास से। अब इसी ट्री सेट के ऑब्जेक्ट में अगर आप स्टूडेंट के नेम या उसके एज या उसकी किसी दूसरी वैल्यू के हिसाब से शॉर्टिंग चाहते हो, तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टिंग का लॉजिक एक बार में एक ही लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर आपने नेम से शॉर्टिंग कर दी, तो फिर आप एज से नहीं कर सकते हो, क्योंकि यार कंपेयर टू मेथड ओवरराइड करके शॉर्टिंग का कोड एक ही लिखा जा सकता है ना, किसी एक के बिहाफ पे लिखा जा सकता है ना। फिर आपने कहा अगर दूसरी क्लास बना के इसके अंदर ऐड करें, तभी नहीं कर सकते हो। मतलब कहने का ये है कि आप इसमें एक ही टाइप का, इवन आपने देखा होगा कि इसमें स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों ऑब्जेक्ट हम ऐड कर रहे थे, तो नहीं ले रहा था, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जा रहा था, वो रूल को वायलेट कर रहा था। मतलब इन्होंने ऐसे अपने ट्री सेट के डिफॉल्ट कंसेप्टर में बताया हुआ है कि आप इसमें एक ही टाइप की वैल्यू ऐड करो। अगर आप स्ट्रिंग इंटीजर दोनों ऐड करोगे, तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि हम शॉर्टिंग का लॉजिक स्ट्रिंग से उठाएं या इंटीजर से उठाएं, इसके हिसाब से शॉर्टिंग करें। तो फिर आपने कहा इसके लिए तो ये तो बेकार है। नहीं, बेकार नहीं है, ट्री सेट ने हमने एक दूसरा भी कंसेप्ट दिया है जिसके थ्रू हम जितना मर्जी उतना शॉर्टिंग अलग अलग हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें दूसरे इंटरफेस को पढ़ना पड़ेगा, उसका नाम है कंपैरेटर। तो क्वेश्चन ये इंटरव्यू पूछा जाता है कि कंपेरेबल था तो कंपेरेटर क्यों आया, वाई कंपेरेटर? अगर हमारे पास कंपेरेबल से शॉर्टिंग हम करते ही थे कंपेयर टू को ओवरराइड करके, तो हमें कंपेरेटर की जरूरत क्यों पड़ी? तो कंपेरेटर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मान लो कि मैं एक जावा डेवलपर हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर हूँ, मुझे ऑब्जेक्ट बनाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे शॉर्टिंग नहीं आती है, शॉर्टिंग वोटिंग करने नहीं आता, उसमें मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। और शॉर्टिंग में स्पेशलिस्ट हमारे कंपनी का एक दूसरा बंदा है, मैं चाहता हूँ उससे शॉर्टिंग करवाऊँ,
और अपने प्रोग्राम में ऐड कर लूँ, समझ रहे हो? और मैं अपना क्लास बनाऊँ, अपनी क्लास को ऑब्जेक्ट बना के इसमें ऐड कर लूँ और शॉर्टिंग वहाँ से ले लूँ, मतलब एक सेपरेट फाइल से, एक सेपरेट क्लास के थ्रू, तो ये कंपेरेबल से पॉसिबल नहीं है, ये कंपेरेबल से पॉसिबल नहीं है। जब आपकी क्लास कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट करेगी तो कंपेयर टू को ओवरराइड ही मानना पड़ेगा, कंपेयर टू को ओवरराइड मानना पड़ेगा और उसमें सॉर्टिंग का लॉजिक लिखना ही पड़ेगा, चाहे किसी को आए या ना आए, चाहे डेवलपर सॉर्टिंग कोड जाने या ना जाने, उसे करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता था कि मुझे तो क्लास और ऑब्जेक्ट बनाना अच्छा लगता है, या उसमें मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मेरा कोई कलीग है वो शॉर्टिंग में स्पेशलिस्ट है, मैं चाहता हूँ कि शॉर्टिंग का कोड वो अलग से कहीं पे लिख के किसी अलग फाइल में रखा हो और उसको मैं यहाँ पे लगा लूँ, जो कि कंपेरेबल से नहीं हो पा रहा है। कंपेरेबल में तो अगर मैं ऐसी कोई क्लास बनाता हूँ जिसका ऑब्जेक्ट मुझे ट्री सेट में ऐड करना है, तो उसमें कंपेरेबल इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, और जब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, ओवरराइड करना है तो शॉर्टिंग लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ये हमारी मजबूरी बन जा रही है। इसका मतलब वो क्लास जो वो क्लास जो ट्री सेट में ऐड होने जा रही है, वो क्लास जो ट्री सेट में ऐड होने जा रही है, उस क्लास को जो क्लास ट्री सेट में ऐड होने जा रही है, उस क्लास को कंपेरेबल टाइप का बनना पड़ेगा, कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके मेथड को ओवरराइड करके सॉर्टिंग का लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो ये हमारी मजबूरी हो गई। तो लेकिन हम चाहते हैं नहीं, सॉर्टिंग का लॉजिक किसी और सेपरेट फाइल में कोई और बंदा, किसी और डेवलपर ने बढ़िया से लिख के रखी हो किसी सेपरेट फाइल में और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन कंपेरेबल एंड कंपेरेटर। कंपेरेटर से ऐसा हो सकता है, कंपेरेटर से हम एक सेपरेट क्लास, यानी कि कोई जरूरी नहीं हम अपनी क्लास बनाएंगे और कोई जरूरी नहीं हम अपनी क्लास में कंपेरेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करें, मतलब हमें अपनी क्लास में कंपेरेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट नहीं करूँगा, ठीक है? मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर हूँ, मुझे क्लास बनाने आता है, ऑब्जेक्ट बनाने आता है मैं, और ऑब्जेक्ट बना के ट्री से मैं ऐड कर दूंगा। आपने कहा क्या बात कर रहे हो, ऐड करोगे तो एक्सेप्शन आ जाएगी, नहीं आएगी। मैं ट्री सेट का दूसरा वाला कंसेप्ट यूज करूंगा, लाइन नंबर 21 जो आपके सामने दिख रहा है ना, जिसमें कंपेरेटर टाइप का पैरामीटर लेता है, ठीक है? तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर कोई क्लास यूजर डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट ट्री सेट में ऐड करते हैं, तो उस क्लास को कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट करके कंपेयर टू को ओवरराइड मार के शॉर्टिंग का लॉजिक लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, शॉर्टिंग का लॉजिक सेपरेट फाइल में लिखूँ और वहाँ से ले आऊँ और यहाँ पे इंक्लूड कर दूँ, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल है कंपेरेटर से। कंपेरेबल की पहली प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं, मेरी क्लास ने कंपेयर टू को ओवरराइड मार दिया और कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट कर दिया, शॉर्टिंग का लॉजिक एक बार में एक ही लिख पाऊंगा, आईडी के हिसाब से या नेम के हिसाब से या किसी दूसरी चीज के हिसाब से, मतलब एक शॉर्टिंग एक बार में लिख सकता हूँ, दो दो शॉर्टिंग नहीं कर सकता मैं, आईडी, नेम, सैलरी, एज, एड्रेस, किसी के बिहाफ पे शॉर्टिंग नहीं कर सकता कि जब भी जरूरत, मैंने मतलब मुझे जरूरत होगी, चलो जी मुझे एज के हिसाब से शॉर्ट करना है, कभी जरूरत पड़ेगी जो मुझे नेम के हिसाब से शॉर्ट करना है, तो ऐसा नहीं कर सकता मैं, ठीक है? कंपेरेबल में, लेकिन कंपेरेटर में कर सकता, तो इसलिए कंपेरेटर की जरूरत पड़ी। अब बात समझ आई कंपेरेटर की जरूरत क्यों पड़ी, बताइए भाई। यस सर, तो मतलब सर ज्यादा कंपेरेटर ही यूज होता होगा ना फिर, ज्यादा कंपेरेटर का यूज ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो ये ज्यादा एक्यूरेट होगा। हाँ, तो देखो रिक्वायरमेंट है, अगर आपको सेपरेट फाइल में मतलब सॉर्टिंग का कोड लिखना है, उसे यूज करना है, तो कर सकते, ठीक है? तो सेपरेट फाइल में अगर आपको ज़रूरत है कि शॉर्टिंग का लॉजिक लिखो और उसे यहाँ लगाओ, तो बिल्कुल यूज कर सकते हो। तो देखिए सर्विस, आप प्रोग्राम देख लेते हैं, फिर आप क्वेश्चन आंसर करिएगा जितना करना है ना, आप आ जाइए। आप देखिए यहाँ पे करा क्या हमने, पहली बात तो मेरी इम्प्लॉय क्लास, अभी देख लीजिए इम्प्लॉय क्लास इन्होंने बनाया है, पहले उस क्लास को देखिए, और वो क्लास किसी को इंप्लीमेंट नहीं कर रही होगी, पहले ये दिखाइए आप, कोई इंप्लीमेंटेशन जरूरी नहीं है, देखो कुछ है नहीं, मैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर हूं, मुझे तो क्लास और ऑब्जेक्ट बनाने आता है। अब मेरी क्लास क्या किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, पहली बात नहीं, कंपेरेबल नहीं, कंपेरेटर नहीं,
किसी को ही नहीं करना है भाई। तो फिर सॉर्टिंग का लॉजिक कहाँ से आएगा? सॉर्टिंग का लॉजिक लाने के लिए, सॉर्टिंग का अगर आपको लॉजिक चाहिए तो सॉर्टिंग का लॉजिक लाने के लिए आपको किसी न किसी क्लास का सहारा लेना पड़ेगा। अब बताओ आप सॉर्टिंग कैसे, हमारे पास नेम है, SLT एड्रेस है। अब मान लो मैं नेम के हिसाब से सॉर्टिंग करवाना चाहता हूँ, और नेम के हिसाब से सॉर्टिंग करने में जिस स्पेशलाइजेशन है, मान लो शमरोज को, तो शमरोज से मैंने बोल दिया भाई एक काम करना, नेम के हिसाब से थोड़ा सॉर्टिंग वॉर्टिंग का लॉजिक लिख के मुझे दे देना। तो उन्होंने अपनी एक क्लास बना ली नेम, और इम्प्लीमेंट करा दिया एक इंटरफेस जिसका नाम है कंपैरेटर, ठीक है। और कंपैरेटर का एक मेथड है कंपेयर, कंपेयर मेथड ऑफ कंपैरेटर, कंपेयर मेथड ऑफ कंपैरेटर एंड कंपेयर टू मेथड ऑफ कंपेरेबल, कंपेयर मेथड ऑफ कंपैरेटर एंड कंपेयर टू मेथड ऑफ कंपेरेबल आर सेम फंक्शनलिटी वाइज, दे आर सेम, डिटो सेम, नो डिफरेंस, फंक्शनलिटी वाइज बिल्कुल सेम है, लेकिन पैरामीटर दोनों में अलग अलग है, ठीक है। इसमें एक में एक पैरामीटर जा रहा है, एक में दो पैरामीटर जा रहा है, वैसे तो देखो आपको दिखेगा यहाँ पे, समझ रहे हो, लेकिन फंक्शनलिटी वाइज दोनों सेम है। इन्होंने ऑब्जेक्ट को टाइपकास्ट कर लिया और नेम को कंपेयर टू इग्नोर केस के थ्रू इन्होंने नेम के हिसाब से शॉर्टिंग कर दी, तो कहानी। फिर अल्तमस को मास्टरी हासिल थी एज के हिसाब से कंपेरिजन शॉर्टिंग करने की या किसी और, अभी तो ये थोड़ा छोटा मोटा है या कुछ और है तो चलो ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो किसी को सैलरी के हिसाब से शॉर्टिंग का मतलब, देखो सैलरी के हिसाब से शॉर्टिंग का स्पेशलाइजेशन किसी को है, मैंने उनसे बोल दी कि भाई तुम सैलरी क्लास बना लेना, तो वो कहेगा कि मैं शॉर्टिंग, मैंने कहा कंपैरेटर से, कंपैरेटर से करना, ये रिस्ट्रिक्शन है, मैंने कहा ठीक है भाई कर लेंगे, कर लिया उसने भी। तो किसी ने नेम से, किसी ने सैलरी से, किसी ने अलग अलग मतलब क्लासेस बना बना के शॉर्टिंग का लॉजिक लिख दिया। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम उस क्लास में ना ही कंपेरेबल इंप्लीमेंट करेंगे ना ही कंपैरेटर इंप्लीमेंट करेंगे जो क्लास ट्री सेट में ऐड होने जा रही है। अब वो मेन क्लास दिखाते, ये देखिए ट्री सेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ट्री सेट कंपैरेटर वाला ट्री सेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ट्री सेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पहले एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है मेन मेथड में, ठीक है सबसे ऊपर जाओ, क्लास का नाम है ट्री सेट फाइव, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया भाई, सबसे पहले एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना, ठीक है एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या कर दिया गया, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एक क्लास बनाई गई जिसका नेम कंपैरिजन नेम, फिर सैलरी, फिर एड्रेस, इन तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को कंपैरेटर टाइप में होल्ड कर लिया गया। आपको पता ही है ना किसी क्लास पे, जैसे देखो ये तीनों क्लासेस जो हैं, नेम है, सैलरी है, एड्रेस है, ये तीनों क्लासेस किसको इंप्लीमेंट कर रही हैं, कंपैरेटर को। तो क्या मैं उनकी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पेरेंट क्लास के रेफरेंस में रखा जा सकता है, तो इंटरफेस के रेफरेंस में रख लिया C1, C2, C3, ठीक है। आपने कहा कि ऐसा क्यों करा गया, इनका ऑब्जेक्ट्स यहाँ क्यों बनाया गया, इनका ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि लाइन नंबर 20 में देखिए ट्री सेट का एक ऐसा कंसेप्टर है, ट्री सेट का एक ऐसा कंसेप्टर है जो कंपैरेटर टाइप का पैरामीटर लेता है, समझ में आई बात। यहाँ वो डिफॉल्ट कंसेप्टर नहीं यूज करेंगे, डिफॉल्ट यूज करेंगे फिर तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी, है ना। यहाँ पे हम वो वाला कंसेप्टर यूज करेंगे जो कंपैरेटर पैरामीटर लेता है। तो हमने जी C1 अगर पास करेंगे तो नेम से कंपेरिजन करेगा, C2 पास करेंगे तो एड्रेस से कंपेरिजन करेगा, C3 पास कर देंगे तो सैलरी से कंपेरिजन करेगा, मतलब शॉर्टिंग करेगा, ठीक है बस बात खत्म कहानी, यही इतना कहानी है। और अगर सबसे चाहते हो ट्री सेट के अलग अलग ऑब्जेक्ट बना लो, एक ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाओ जिसमें C1 पास करो, एक ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाओ जिसमें C2 पास करो, एक ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाओ जिसमें C3 पास करो, ठीक है बात समझ में आ रही है। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो यहाँ पे भी तो मतलब शॉर्टिंग का लॉजिक एक बार में एक ही चल रहा है, तो भाई शॉर्टिंग का तो एक ही बार में एक ही चीज पे शॉर्टिंग कर पाओगे ना आप, शॉर्टिंग तो 10 तो एक साथ नहीं हो सकता ना साइमल्टेनियसली, भाई एक चीज़ को मान के आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन ये है कि अब भाई कंपेरेबल में रिस्ट्रिक्शन यही था कि अगर मैंने नेम से कर दिया तो फिर एड्रेस से नहीं कर पा रहा था, एड्रेस कर दिया तो सैलरी से नहीं कर पा रहा था, ये यहाँ पे तो सेपरेट फाइल में हमने अलग अलग बना के रख लिया है शॉर्टिंग का कोड, बस उठा के लगा दिया यहाँ पे। अब पूछे क्वेश्चन पूछना है जो ये प्रोग्राम इन्होंने बनाया ही था इसलिए मुझे प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है।
हाँ, एक सेपरेट फाइल बनाकर रख सकते हैं, उसके व्याप पे सॉर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन सॉर्टिंग तो एक चीज पे एक ही बार में एक ही चीज पर होती है ना, है ना। फिर अगर एज पे करना है तो एज वाली कंस्ट्रक्टर मतलब एज वाला का क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको पास कर देंगे, सैलरी पे करना है तो सैलरी पे कर देंगे। हाँ समझ गया सर, चीज वही है, बट सर यहाँ पर हम सेपरेट क्लास बना रहे हैं, है ना। वहां पर क्या हो रहा था कि हम एम्प्लॉय क्लास में ही ओवरराइड कर रहे थे कंपेयर टू मेथड को। मतलब अभी क्या है कि हमें अलग से क्लास नहीं बनाना पड़ेगा ना, अब अलग से क्लास बनाने से बच गए बस। सही है, उस क्लास में उस क्लास का ऑब्जेक्ट इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ही क्लास बना रहे हैं और हम ही सॉर्टिंग का कोड लिखेंगे, वो नहीं करना पड़ेगा। पूजा क्या पूछ रही थी आप, पूछिए। नहीं सर कुछ क्वेश्चन नहीं है, बस ये मेरे को आज प्रोग्राम बना के देखना पड़ेगा सर, तभी होगा। बनाती हूँ सर आज ही इसका प्रोग्राम। यस कंसेप्ट में आ गया सर, कंसेप्ट बिल्कुल, प्रोग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा प्रोग्राम। प्रोग्राम बनाना बहुत जरूरी है। और पूछिए भाई, कौन पूछ रहा है। सर प्रोग्राम सेंड कर दूं या वाला भेज दूं? आप भी पूछिए, कोई पूछ ले जिसको पूछना है कुछ। हाँ यस सर, यही पूछना था कि मतलब मल्टीपल सॉर्टिंग तो फिर भी हमें अचीव नहीं हो पा रही इसके कंपैरेटर के द्वारा भी, अगर हम करना चाहते हैं तो एट अ टाइम। बट ये फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास कि हम अपनी क्लासेज जिस जिस क्लास के ऊपर या जिस भी डेटा के ऊपर हमें सॉर्टिंग करनी है तो उनके लिए सेपरेट क्लासेस बना के फिर उनके ऑब्जेक्ट्स को जो है कंपैरेटर में होल्ड करवा ले के, और फिर मतलब जिस भी टाइप के डेटा पे सॉर्टिंग करवाना चाहते हैं तो वो इजीली हो सकती है। ट्री सेट में देखो, कंसेप्टर में ट्री सेट के अलग अलग कंसेप्टर कौन कौन से हैं वो कंसेप्टर देखना जरा। कि दो कंसेप्टर तो ये हो गया, एक कलेक्शन टाइप का शायद कंसेप्टर लेता है, कलेक्शन टाइप का पैरामीटर लेता है यस सर, एक कलेक्ट जी सर कलेक्शन टाइप का भी तो एक। जावा पी करके देख लो ना सीएमडी पे, वो कंसेप्टर की लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से कंसेप्टर हैं उसके पास। सर ये लॉजिक जो प्रीतम भाई ने बनाया था उनका थोड़ा सा अलग था प्रोग्राम, ये थोड़ा अलग है। मतलब बहुत तरीके होते हैं क्या इसको करने के, ऐसा कुछ है क्या? उन्होंने कहा प्रोग्राम बनाया कंपैरेटर का, वही जो दिखा रहे थे। हाँ सर आई थिंक वही चीज तो था, सेम चीज तो था सर, बनाया था सर उन्होंने सर, कलेक्ट क्लास के यूज किया हुआ है उसमें दोनों पास किए हुए हैं, कंपैरेटर का भी ऑब्जेक्ट और लिस्ट का भी। तो भाई इससे मतलब कि एक ही टाइम पे तीनों हो जा रहे हैं ना, इसीलिए मतलब तीन मेथड तीन बार कॉल करा के तीन बार पास कर दे, तीनों एक ही बार में हो जा रहा है। सर ये रहा सर, ये कंस्ट्रक्टर आए हमारे पास, कंपेयर है सर, कहाँ गए ये वाला कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर तो ये थे, इसमें क्या है कंस्ट्रक्टर कहाँ, यही नहीं दिख रहा है सर। ये कंपैरेटर है ना, java.util.comparator, तो ये आई थिंक मेथड आ गए हैं उसके। कंस्ट्रक्टर कहाँ है इसके? सर डॉक निकालूं सर src से? सर कंपैरेटर के थोड़ी मिलेंगे, उसके निकालने पड़ेंगे ट्री सेट के। इंटरफेस में तो कंस्ट्रक्टर होता ही नहीं है क्या, क्या करके वहां ट्री सेट? सॉरी सर सॉरी, वो बेसिकली कंपैरेटर सामने ही लिखा हुआ था तो मैंने उसी को ही कॉपी कर दिया। जी सर एक बार देखो, डिफॉल्ट है कलेक्शन वाला जी है। जी सर एक मिनट, ये ऊपर करो, है कलेक्शन वाला ही है, कलेक्शन टाइप का पैरामीटर लेता है। यस सर ये रहा कलेक्शन वाला। और एक सर सॉर्टेड सेट का भी लेता है सर, ये वाला सॉर्टेड सेट भी लेता है। जी सर ओके। सर चार ही है ना इसमें, एक डिफॉल्ट है, एक कंपैरेटर टाइप का, और एक कलेक्शन का, और एक सॉर्टेड सेट का। मतलब ये सॉर्टिंग करके पहले से लेके आओ, इसमें पास कर दो। जी सर मतलब ये उस तरह से हैं कि मतलब कुछ करना नहीं चाहते हैं, ये कहते हैं कि जी मैं मतलब सॉर्टिंग खुद नहीं करूँगा, प्लीज लाओ और मेरे अंदर डाल दो, सॉर्टिंग अपने आप हो जाए। यस सर ठीक है, चलिए
इस तरह से आपका ये पूरी कलेक्शन की कहानी हो गई। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री सेट अगर पढ़ लिया तो ट्री मैप भी ऐसे ही होता है ना। तो ट्री मैप मतलब वहाँ पे ट्री सेट इंटरनली ट्री मैप को यूज करती है, समझ रहे हो ना। जैसे हैश सेट हैश मैप को यूज करता था, ऐसे ट्री सेट ट्री मैप को यूज करती है। तो इसकी भी वही इंटरनल कहानी है, समझ रहे हो। इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जाओगे तो मेमोरी में वो ट्री प्री बनेगा, वो सब दिखाएगा, है ना। इसको भी डीबग करके वैसे ही देखा जा सकता है, सारी कहानी वही है। अच्छा, किसी ने ये चीज पढ़ा है फेल सेफ या फेल फास्ट ऑपरेशन, कुछ इस टाइप की चीज होती है फेल सेफ या फेल फास्ट। हैश कलेक्शन के अंदर एक फेल सेफ कलेक्शन होता है और फेल फास्ट होता है। सुना है कभी? बोलो भाई, यस या नो? सर पहली बार सुन रहा हूँ। कलेक्शन में टॉपिक है, नहीं सुना सर। सर इतने सारे टॉपिक्स हैं, कहाँ आप जब लिस्ट खोलते हैं तो सर इतने सारे मतलब क्लासेस हैं, बाप रे कैसे याद रखेंगे इतने। महाभारत आ जाता है थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है थोड़ा सा कि ये क्या 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 है। नहीं, अब याद करोगे तो कलेक्शन में क्या है, कलेक्शन इंटरफेस है, एक सेट है, लिस्ट है, मैप है, बस सेट लिस्ट मैप, ठीक है। लिस्ट में हो गया, लिस्ट इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास है, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक वेक्टर, ठीक है। सेट में आ जाता है हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, उसका चाइल्ड इंटरफेस शॉर्टेड सेट, उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास ट्री सेट, जो पढ़ रहे हो आप। अब ट्री सेट में था कंपेरेबल और कंपेरेटर का यूज, ठीक है। मैप उधर था, मैप में हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, फिर उसकी चाइल्ड इंटरफेस शॉर्टेड मैप, उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास ट्री मैप, फिर एक कलेक्शंस नाम की क्लास, फिर एक इटरेटर, लिस्ट इटरेटर, इनुमरेशन, तो सबके बिहेवियर के बेसिस पे याद रखोगे तो चीजें याद रहेंगी। जैसे मुझे ये कैसे याद है, खैर मैंने तो कई बार पढ़ाया, पढ़ा तो याद है। हमें ऐसे याद कर सकते हो आप कि जी मुझे क्या करना है, शॉर्टिंग। अच्छा अच्छा शॉर्टिंग के लिए, शॉर्टिंग के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, शॉर्ट अगर हम करना चाहते हैं एलिमेंट को तो शॉर्टिंग के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। कंपेरेबल कंपेरेटर, हमें करना है जी एलिमेंट को एक ही करके निकालना है, ट्रेवर्सल। तो ट्रेवर्सल के कौन कौन से तरीके हैं भाई, ट्रेवर्सल के लिए हमारे पास एक हो गया इटरेटर, एक होता है लिस्ट इटरेटर, एक हो गया इनुमरेशन। फिर हमें जी की वैल्यू पेयर में डेटा चाहिए तो मैप, मैप की इंप्लीमेंटिंग क्लास हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ये कहानी है, समझ रहे हो ना आप। फिर हमें ऑर्डरिंग, सॉरी हमें क्या चाहिए जी, हमें चाहिए यूनिकनेस, तो सेट के पास जाएं, बिना यूनिकनेस नहीं चाहिए तो लिस्ट के पास जाएं, ऐसा। अब जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ फेल सेफ या फेल फास्ट, तो ये थोड़ा सा अलग है, ये अगेन वही कंकरेंसी पैकेज से रिलेटेड है, ये कंकरेंसी यानी कि इसका रिलेशन थ्रेड से है, अगेन थ्रेड से इसका रिलेशन है। जैसे हमारे पास एक हैश मैप होता है और एक होता है कंकरेंट हैश मैप, ठीक है, एक हैश मैप होता है ऐसे जानते हो, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन खोल के देखोगे, ओपन करो डॉक्यूमेंटेशन, वहां पे कंकरेंट हैश मैप मिलेगा, लेकिन यहां नहीं मिलेगा, वो मिलेगा कंकरेंट पैकेज के अंदर, यूटिल के अंदर जो कंकरेंट पैकेज है ना उस पैकेज के अंदर मिलेगा। सर गूगल कर लूं यहाँ से? रुको मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ना, आप प्रोग्राम शेयर कर देना बस, है ना। जी सर, अभी करता हूँ। वो प्रोग्राम शेयर कर देना ताकि सब लोग देख लें।
देखो ये यूटिल हो गई। अगर आपको कभी भी दिक्कत आएगा, प्रोग्राम नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछिएगा आप, ठीक है। ये देखिए, फेल सेफ या फेल फास्ट वाली कहानी यहीं से है। ये देखिए कंकरेंट हैश मैप। हैश मैप तो एक चीज थी, अभी कंकरेंट हैश मैप भी एक चीज आ गई, ठीक है। एरे लिस्ट तो आपने पढ़ा था ना, बट एक और क्लास होती है जिसका नाम है कॉपी ऑन एरे लिस्ट। एक होती है कॉपी ऑन एरे सेट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसी को हमें जानना पड़ेगा, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा अगर हम हैश मैप, कंकरेंट हैश मैप ये सब जानना चाहते हैं सर। और कंकरेंट हैश मैप का जो रिलेशन है फेल सेफ या फेल फास्ट से है। तो फेल सेफ या फेल फास्ट कलेक्शन क्या होती हैं, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। फेल सेफ या फेल फास्ट क्या होता है, देखिए बहुत ही आसान सी कहानी है वो। किसी किसी भी चीज़ में आप कर सकते हो, चाहे हैश मैप से मैं उसको पढ़ा दूं, चाहे वो मैं आपको एरे लिस्ट से बता देता हूँ, किसी से भी जान लो आप। चलो हैश मैप से मान लीजिए मैंने आपको बता दिया, हैश मैप से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ फेल सेफ का क्या मतलब है। ये हैश मैप का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। हैश मैप इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, ठीक है। हैश मैप का ऑब्जेक्ट बन गया है। हैश मैप में कुछ एलिमेंट ऐड करना है जी, हैश मैप डॉट पुट जो की वैल्यू पेयर में डेटा लेता है। तो पुट मेथड में हमने की वैल्यू पेयर में डेटा डाल दिया, तो की का नाम ले लिया 1 2, और उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू ले लिया हमने राम, ऐसे करके ठीक है। 1 2 1 3 1 4 इतना काफी है। ठीक, अब हमने क्या करना है, हैश मैप से एक एक करके एलिमेंट निकालना है, इटरेट करना है। तो इस पे क्या चला देते हैं जी, हम इटरेटर चला दें। हैश मैप पे इटरेटर नहीं चलता है क्या? ओह, हैश मैप पे आपको वो चलाना पड़ेगा ना, एंट्री, समझ रहे हो, एंट्री सेट। तो ये पूरा हमें एंट्री निकाल के देता है, मैं की और वैल्यू का पेयर, और ये हमें रिटर्न करके देता है क्या, सेट इंटरफेस, ठीक है। ये सेट हमें रिटर्न करके देता है एसटी। सर फोर ईच से भी हो जाता है ये, फोर ईच से अगर करेंगे तो? हाँ कैसे भी कर लो, तो इटरेशन के लिए हम फॉर ईच से कर लें, फॉर से कर लें, वाइल से कर लें, कैसे भी कर लेंगे। लेकिन मुझे तो मेरी कहानी ख़त्म हो जाएगी ना अगर मैं आपको दूसरा चीज़ पढ़ा दूंगा, तो इटरेटर के ही तो थ्रू मुझे समझाना इसे। ये इटरेटर से मैं एलिमेंट को ट्रेवल कर रहा हूँ, मतलब निकाल रहे हैं यार, ठीक है। इटरेटर बना लिया। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, वाइल लूप चला दिया इटरेटर वाला, और इसको अब यहाँ पे हम टाइप कास्ट करेंगे किसमें, मैप, मैप डॉट एंट्री टाइप, मैप डॉट एंट्री में, ठीक है। तो प्रीतम बताना, यहाँ जा नहीं समझ में आएगा कि मैप डॉट एंट्री क्यों लिखा हमने, ठीक है। ओके यार, ये क्या कर दिया इसने, MAP होगा ना बस, डॉट तो बाकी क्यों लग गया यह, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैप डॉट एंट्री में टाइप कास्ट कर लिया। अब मैंने कलेक्शन से अंदर से मतलब यहाँ से एलिमेंट ऐड करके उसको निकाल के, अब इसके की वैल्यू पेयर को मुझे प्रिंट करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन में मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर मतलब इस ऑब्जेक्ट से की और वैल्यू निकाल लेता हूँ। ऑब्जेक्ट डॉट गेट
स्मॉल लेटर में लिखना था, ऑब्जेक्ट डॉट गेट की, फिर कैपिटल हो जा रहा है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट मैं ऊपर वाला सेलेक्ट कर दे रहा हूँ ना, इसलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है। गेट की और प्लस, और यहाँ से ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू, की वैल्यू में सारा डेटा जो हमारे हैश मैप में ऐड था वो निकल के आ गया। चल जा भाई, आ गया सारा डेटा, आ गया, परफेक्ट चल रहा है। लेकिन जब मैं हैश मैप से डेटा निकाल रहा था ना इटरेटर से, तो मैं अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई, क्यों ना हम एक काम करें, इस हैश मैप के अंदर ही, सर इटरेटर के अंदर ही एलिमेंट को ऐड करें, है ना, वाइल ट्रेवर्सल हम एलिमेंट को ऐड भी तो कर सकते हैं। जैसे मैं एलिमेंट निकाल रहा था, तब तक मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हम एक काम करें, हैश मैप के ऐड मेथड से क्यों ना हम एक एलिमेंट ऐड करने चले जाएं, एक एक्स्ट्रा मेथड। तो जब मैं निकाल ही रहा था, हमारे दिमाग में खुराफात आ गया ऐसा, चलो जी मैं निकाल रहा था तो एक और एलिमेंट ऐड कर दूं, वाइल इटरेशन, है ना, इसका नाम जावा रख दूं, जावा बहुत ताकतवर है, फुल है, फिर मैंने चलाया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन, कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन, समझ रहे हो। तो ये हमारी ऑपरेशन फेल हो गई, समझ रहे हो, फेल फास्ट हो गई, बहुत जल्दी फेल हो गई, जल्दी से फेल हो गई। मतलब मैं एक कलेक्शन से एलिमेंट निकालते थे तो निकालते टाइम पे इसी में मैं ऐड भी करने लगा और यहां पे ये जल्दी से फेल हो गया, फेल फास्ट, है ना, तेजी से फेल हो गई ये। तो मतलब ये हो गया, तो लेकिन अभी यही प्रोग्राम ये चल जाएगा, कैसे चल जाएगा, ये हैश मैप की जगह पे एक दूसरी जो क्लास है जिसका नाम है कंकरेंट हैश मैप, मैं उसका यूज करने जा रहा हूँ, CURRENCON से होता है क्या, कंकरेंट हैश मैप, ठीक है, देखना आप, कॉन्करेंट हैश मैप, ठीक है, ये सब कुछ वही है कहानी, है परफेक्ट चल रहा है, जावा भी निकाल के दे रहा है ये, है ना कहानी, ये हो गई फेल सेफ, ये फेल होने से बच गई, और पहले हुआ था फेल फास्ट, वो तेजी से फेल हो गया था। तो क्या इसकी कहानी है, इंटरनल कहानी क्या है, मैं कल बताऊंगा आपको ये क्या है। यही काम एरे लिस्ट में भी होता है।